हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मशरूम दो प्याज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है और बहुत ही रिच बनाएंगे इसे। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाएंगे, जैसे रेस्टोरेंट में हम पनीर मशरूम दो प्याज़ा ऑर्डर करते हैं और बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो बिल्कुल वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, झटपट सा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हाँ, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये बनकर ज़रूर तैयार हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोज़ को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो देख रहे हैं ना कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। तो आइए झटपट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं पनीर मशरूम। तो मशरूम को मैंने, जो फ्रेश मशरूम आता है ना, वो यूज़ किया है। आप चाहें तो बटन मशरूम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मशरूम को इस तरह से मैंने 2-3 पार्ट्स में कट किए हैं क्योंकि बड़े बड़े मशरूम के साइज़ थे, तो इसलिए मैंने 2-3 पीसेस में कट किया है। और साथ ही मैंने लिए हैं पनीर। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम मशरूम लिया है और करीब 250 से 300 ग्राम के आसपास पनीर भी लिया है। दोनों के अगर पोर्शन हम सेम रखेंगे तो खाने में मज़ा आता है। और साथ ही लिए हैं 2 प्याज, 4-5 टमाटर, क्योंकि 4 से 5 मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरे टमाटर थोड़े छोटे छोटे थे। आपके पास अगर बड़े वाले टमाटर हो तो 3 से 4 टमाटर में कम्प्लीट हो जाएगी। साथ ही मैंने लिए हैं लहसुन की कलियाँ और साथ ही लिए हैं 1 इंच लगभग का अदरक का टुकड़ा। इसके साथ ही मैंने लिए हैं एक बड़ा प्याज लिया था, जिसे मैंने एक एक उसके लेयर निकाल लिए हैं। पहले उसको 4 भाग में काट लिया और फिर उसके लेयर निकाल लिए। साथ ही लिए हैं क्रीम, नमक, काजू। काजू मैंने लगभग 10 से 12 लिए हैं। क्रीम मैंने यहाँ घर का यूज़ किया है, जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो ली है। नमक लिए हैं, साथ ही कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, देगी मिर्च। देगी मिर्च अक्सर हम कलर के लिए यूज़ करते हैं और रेस्टोरेंट में ये ज़रूर यूज़ होता है। साथ ही लिए हैं मैंने यहाँ पे ये जो धनिया होता है ना, धनिया के जो चूड़े होते हैं, जैसे कि धनिया है, उसे हल्का सा बेलन की हेल्प से मैंने तोड़ लिया है, 2 टुकड़े में कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही लिए हैं सूखी मिर्च, हरी मिर्च, तेज पत्ता, कसूरी मेथी और साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे घर का बना गरम मसाला यूज़ किया है। आप चाहें तो मार्केट के गरम मसाले से भी बना सकते हैं। अब हमें टमाटो की प्यूरी बना लेनी है अलग, और एक अलग और एक और प्यूरी बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ मलाई और काजू को एक साथ ग्राइंडर में डाल करके प्यूरी बना लिया है। और प्याज को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मशरूम को पहले गर्म पानी में डालकर अच्छी तरीके से लगभग 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल किया है। इससे होगा ये कि जो इसकी ऊपर की इम्प्योरिटी होगी, जो धोने में नहीं निकली होगी, वो भी निकल जाएगी और मशरूम अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि मशरूम के अंदर खुद का बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो बनाते वक्त वो पानी मशरूम छोड़े नहीं, इसलिए इसे हमें पहले बॉईल कर लेना होता है और रेस्टोरेंट में यही ट्रिक यूज़ करते हैं। अभी कढ़ाई लिया मैंने, इसे गर्म करने के बाद 2 चम्मच के लगभग तेल डाला मैंने और तेल जब गर्म हो गई तो हमने जो प्याज के लेयर्स निकाले थे उसे हम इसमें फ्राई कर रहे हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जैसे कि तेज जब तेल गर्म होना तभी इसमें डालें इसे, नहीं तो क्या होगा कि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और हमें वो नहीं करना है। हमें बस इसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा प्याज का, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए तेल में हम अपनी सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, तेज पत्ता 2 डाल दिए हैं मैंने और 4 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाला है। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाले हैं जो धनिया के हमने चूड़े बनाए थे ना, जैसे कि हमने तोड़ के बनाया था, उसे डाला है। और थोड़ा सा इन सबको भूनने के बाद मैंने इसमें डाल लिए हैं प्याज। तो 2 बड़े प्याज को मैंने बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया था चॉपर में डालकर, और इसे अच्छी तरीके से हमें भूनना है। अच्छा सुनहरा जब हो जाए, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऐसा, तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रनी हो गया था, पानी ज़्यादा चला गया था पीसने में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लिक्विड ही दिख रहा होगा। अब इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है।
अब इसे हमें कब तक भूनना है? जब तक कि अदरक लहसुन का इसमें से रॉ स्मेल जो होता है वो ना चला जाए, और वो खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा मसाले में जो पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जल जाएगी और साथ ही मसाले बहुत अच्छे भून कर तैयार हो जाएंगे। जब मसाले भुन जाएँ फिर हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, और टोमेटो प्यूरी को भी हमें तब तक भुनना है जब तक कि टमाटर का स्मेल जो होता है कच्चा वाला वो ना चला जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे ड्राई मसाले, तो मैंने डाला है 1 चम्मच यहाँ पे तीखी वाली मिर्च, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ डाली है देगी मिर्च। देगी मिर्च कलर के लिए यूज़ करेंगे हम, आप चाहें तो डालें नहीं तो बिल्कुल ऑप्शनल है ये। 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लगभग नमक यूज़ किया है, आप जितना नमक खाते हो उस हिसाब से नमक डाल लेंगे। और सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट हम मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है। अब मसालों को बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है हमें, अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगा तो मसाले जल जाएंगे और हमें दिखेगा कि मसाला हो गया है, बट वो मसाले बस जलने के कारण हमें ऐसा फील होता है, पर मसाले भूनते नहीं हैं। अब जब करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच यहाँ पे चीनी। रेस्टोरेंट में सब्जियों में चीनी ज़रूर यूज़ करते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छी आती है। साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, पर रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट में अक्सर हमें देखे होंगे जब हम खाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी कच्ची हरी मिर्च मिलती है, और मसालों को मिलाने के बाद ढक कर करीब 1.5 से 2 मिनट तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए तेल बिल्कुल साइड छोड़ने लगा है मसालों से, तो इसका मतलब ये है कि मसाले अब अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो लगभग 1 मिनट तक के लिए अब इसे और भुनना है हमें, और फिर हम इसमें हमारे जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे। तो देखिए अब 1 मिनट हो गया है, मैंने यहाँ पर डाल लिया है ये जो क्रीम और काजू का हमने पेस्ट बनाकर तैयार रखा था वो, साथ ही मैं यहाँ पे लगभग 1 कटोरे के आसपास दूध डाल रही हूँ, उसी ग्राइंडर में डाला है मैंने और मिलाकर डाल दिया है। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा रिचनेस आएगा और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। 1 कप दूध डाला है मैंने, आप चाहें तो यहाँ पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर दूध से बहुत अच्छा रिचनेस आता है। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ढक देंगे, और ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे और पकाना है, या यूँ कहें जब तक कि दूध मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि मसालों को बीच बीच में बिल्कुल चलाते रहेंगे, नहीं तो होगा क्या कि मसाले तले में चिपकने लगेंगे। अब जब मसाले 50% कुक हो जाएं तो हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी हाथ से अच्छी तरीके से क्रश करके। होता ये है ना कि जब हम काजू और क्रीम डालते हैं ना तो मसाले नीचे तले में चिपकने लगते हैं। ये देखिए जब मसाला अच्छे तरीके से भुन गया, साइड से तेल छोड़ने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे मशरूम और पनीर जो हमने रखे थे उसे डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और मिलाकर ढक कर और 1.5 से 2 मिनट के आसपास पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें नीचे से बबल्स आने लगे हैं, तो थोड़ी देर इसलिए पकाना ज़रूरी है कि सारे मसाले मशरूम और पनीर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल लिया है वो जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उसे। अब ये होगा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा बैलेंस आ जाएगा। अब इसे एक बार और चाहें तो ढककर पका सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ढका नहीं है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पानी डाली है लगभग 1/2 कटोरी के आसपास, थोड़ी से मसालों को और सब्जी को के ग्रेवी को बैलेंस करने के लिए। मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो इसे मैंने यूज़ किया है, अगर आपको सब्ज़ी की थिकनेस ठीक लगे तो ना डालें। अब इन सारे चीज़ों को एक बॉयल आने तक अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये देखिए सब्जी को मैंने अच्छी तरीके से चला लिया है, और चलाने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक कर करीब 1 मिनट पकाने के बाद मैं आपको सब्जी को दिखला रही हूँ। ये देखिए सारे ऊपर जो तैर रहे हैं ना, ये क्रीम है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है ना। अब बिल्कुल आखिरी में मैंने यहाँ डाला है कटा हुआ धनिया, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, और विश्वास कीजिए बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, गैस को करते हैं बंद, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए बिल्कुल लग रही है रेस्टोरेंट की जैसी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट, और देखने में भी बहुत लाजवाब। तो बनकर तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मशरूम दो प्याज़ा,
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसे अपने घर पर लंच में डिनर में बहुत जल्दी बनाएंगे। तो कब बना रहे हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नए रेसिपी एक और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।